अब आ रही हूँ। ओके आपको पसंद है, लव यू किसी। टाइम क्या है, टाइम तो बता दो। 5 बजने में सात। हाय हाय बड़ा डेंजरस टाइम। ओके लव यू। ओके बेटे बाय। जो है लाइक 1 टीस्पून इस पर डालने लगी हूँ। इसको मैरिनेट करूँगी फॉर लाइक 20 मिनट्स, इतना ज़्यादा है। ये सब चीज़ें लगाऊँगी, जिंजर और गार्लिक, अदरक लहसुन भी लगाऊँगी, और तब तक मैं थोड़ा अपना किचन नीट करती हूँ। उसके बाद इसको सिर्फ मैं ऑयल में फ्राई करूँगी पहले से। मैं ऑयल ऐड करने लगी हूँ और बहुत थोड़ा थोड़ा, लाइक इतना बहुत होगा, मीट चिकन ज़्यादा है और इसमें ही मुझे अपनी चिकन लाइट सी है ना, ब्राउन या गोल्डन कुछ इस तरह से करना है बस। इट इज़ के लिए पानी रख चुकी हूँ, शॉर्टेज ऑफ टाइम। मैंने कहा जितना लाइक ना सेव हो जाए टाइम, इसमें मैंने ऑयल और सॉल्ट ऐड कर दिया है। पानी मैंने रख दिया है, ऑयल हो चुका है गर्म, इसमें मैं ऐड करती हूँ चिकन। इसको 7 to 10 मिनट्स इसको बस रहने देना है के बाद इसको मैं प्लेट में निकाल दूँगी। मैं चिकन निकाल चुकी थी, ग्रीन अनियन को मैंने किया ब्राउन। ब्राउन करने के बाद चिकन ऐड करने के बाद सारे जो स्पाइसेस हैं सॉसेस हैं वो मैंने ऐड कर दी हैं। अब सिर्फ मुझे उसमें सॉल्ट ऐड करना है एंड दैट्स इट। उसके बाद मैं एंड में उसमें वेज ऐड करती हूँ। इसमें मेरा डन हो चुका है चिकन, इसमें ऐड करने का टाइम आ गया है वेजीज। मैं यहाँ पे वेजीज कर चुकी हूँ ऐड। मेरा वाटर अभी तक बॉयल नहीं हुआ और अब बस इसको 5 मिनट मैंने इसको 5 मिनट मैंने अभी पकने देना है। जैसे थोड़ा सा सॉफ्ट होगा बस मैं इसका स्टोव ऑफ कर दूँगी। जिस चीज़ का वेट था, पानी हो चुका है बॉयल, इसमें मैं अब ऐड करूँगी स्पेगेटी। सो स्पेगेटी हो चुके हैं रेडी। इस पर मैं अभी ऑयल करूँगी ऊपर, लाइक थोड़ा सा ऑयल डालूँगी ताकि चिपके ना, ठंडा पानी डालूँगी और इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक। दिस इज़ द फाइनल लुक। अब मामा इसको करेंगी खाने के टाइम पे मिक्स और मैं इसको करने लगी। रखा सालन और हमने स्पेगेटी जो है दोनों चीज़ें गर्म कर ली। मैंने मामा को कहा आप इसको अच्छे से मिक्स कर लो ताकि हम सर्व करते, इतना डर डर के आज मैंने बनाया है मिस के लिए कि पता नहीं दुनिया जी को कैसे लगेंगे। तो बस अभी हम लोग बाउल में निकालने लगे हैं खाना। बाउल में हमने स्पेगेटीज डालती हैं, हम देखते हैं पसंद आते हैं कि नहीं।